सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्विक कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसे आप मतलब एक क्लिक में ही वो कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन फ्रंट, वो भी बहुत एक सिर्फ एक क्लिक में। पहले आपको सेटिंग में जाके करना पड़ता था, वैसे आप पीसी की तरह बिल्कुल ऐसे सेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसका नाम है ORZX, ऐसे कुछ नाम है ORZX कीबोर्ड। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सीधा हम चलते हैं पहले अपने एप्लीकेशन की तरफ। तो गाइस देख सकते हैं ये एप्लीकेशन, इस पर हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऐसा इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो आपको ये वर्चुअल कीबोर्ड पे क्लिक करना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका सीधा ये वाला इंटरफेस आता तो ठीक है, नहीं आता तो उस पर मैनेज कीबोर्ड पे जाके क्लिक करके आ सकते हैं। तो आपका अगर गाइस आपका ये ऑन है तो ठीक है, अगर नहीं ऑन है तो इसे ऑन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, इसे ओके कर देते हैं सिंपली। फिर बैक कर लेना है, फिर आना हमें सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आते ही हमें ORZX कीबोर्ड सेकंड वाला हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद हमें आना है ये कस्टम एंड टेस्ट, देख सकते हैं जिस पे मैंने क्लिक किया है इस पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे बटन आ गए हैं, इसको हम एक एक करके इस पे सिर्फ क्लिक करना और सबको रिमूव कर देना है सिर्फ क्लिक करके। तो फटाफट से मैं क्लिक एंड रिमूव कर देता हूँ। सो ये देख सकते हैं पूरी स्क्रीन खाली होगी। तो हमें करना क्या है, इस पे कहीं पे भी हम स्क्रीन पे इसी इंटरफेस पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, टच करेंगे, फिर उसका ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना क्या है, ये जो चौथे नंबर पर है ऐड बटन स्टिक, इस पे क्लिक करना है। फिर हमें जाना है ये बटन सेलेक्ट, आपको ढूंढना है बटन सेलेक्ट। ढूंढने के बाद आपको इसको क्लिक कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है। इसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर बीच में रख लेता हूँ। फिर से आपको इस बटन पर क्लिक करना है, देख सकते हैं इस बटन का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस पे देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है चौथे नंबर पे, ये डिफ़ॉल्ट है। इस पे क्लिक करेंगे हम तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे हमें कंट्रोल्स, पीसी वाले कंट्रोल्स है सब के सब मिल जाएंगे। तो फिर कैमरा चेंज F5 से होता है, तो इसे F5 पे सेलेक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम बैक आ जाते हैं, फिर इनपुट डिवाइस पे जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इनपुट डिवाइस है इस पे जाएंगे हम पहले वाले पे। फिर इसका हमें सेकंड वाले पे, ये सेकंड वाले इस पे क्लिक कर देंगे। फिर एक यूज़र मोड भी होगा इसको, अगर यूज़र मोड आपका 100 क्वालिटी पे रखना है, यूज़र मोड जो आपका ये जो है इस पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली अपना माइनक्राफ्ट चालू कर लीजिए। तो वह देख सकते हैं अभी हमारा मतलब कुछ वो आ नहीं रहा अभी बटन। बटन लाने के लिए आपको वॉल्यूम अप का बटन दबाना होगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ पे बटन आ गया। अगर आपको इसे गायब करना है तो वॉल्यूम फिर से आपका बटन दबाइए, गायब हो जाएगा। तो चेंज करते हैं, देख सकते हैं पूरी मतलब 100% वर्किंग ट्रिक है। तो इसे आप कस्टम भी कर सकते हैं, अगर आप वॉल्यूम डाउन का करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगी, अगर वॉल्यूम का बढ़ाना कम करना है तो आप इसे वॉल्यूम डाउन से कर सकते हैं, क्योंकि इसे कैमरा चेंज होने का बटन आ जाएगा। तो अगर आपको इसे कस्टम भी करना है तो कस्टम भी हो सकता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको फिर से सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद तो फिर से हम उसी पे जाएंगे, उसी ऐप पे जाएंगे। तो फिर से हम सेटिंग एंड कस्टम पे जाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। इनपुट गेम पैड देख सकते हैं इस पर क्लिक, इनपुट जो गेम पैड है इस पर क्लिक करने के बाद हम डाउन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, जो वॉल्यूम डाउन है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो हम सीधा जाते हैं हम माइनक्राफ्ट पे। तो अभी तो हमारा कुछ नहीं आएगा, तो सिंपली हमें ये वाला बटन दबाना है। इससे आपका क्या होगा, ये सारा इंटरफेस आ जाए कि आप इसी स्क्रीन पे अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया, जैसे कि मैं ये स्पेस का रखता हूँ, स्पेस से जंप होता है, सिंपली से गायब करते हैं, वॉल्यूम डाउन का करते हैं। तो देख सकते हैं इससे आप मतलब कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अपना FPP TPP आसानी से एक क्लिक में कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे मैंने रखा F5 पे, ठीक है। इसे हम वॉल्यूम अप का करते हैं, इसे गायब हो गया। फिर उसका देख सकते हैं मैं वॉल्यूम डाउन का करता हूँ, अब देख सकते हैं ये आसानी से FPP भी कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ।
चलते चलते मैं भाई देख सकते हैं, इससे आप मतलब आपने कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट में रह के। सो गाइस एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि अगर आपको ये सब कुछ बंद करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, कर देना क्लियर डाटा। यहाँ पे मैंने सारे इसका क्लियर डाटा कर दिया हूँ, तो आप अपने सिंपली माइनक्राफ्ट ओपन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन सेम बिल्कुल वैसे ही हो गया। आप इसके कई तरह की जैसे कीबोर्ड में होते हैं वैसे कंप्यूटर जैसे ही अपनी सेटिंग कर सकते हैं। यही था, तो वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के देख के बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।